बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फिर उनको मर्ज करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क अंडरस्टैंड करें। टॉर्क का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप किसी भी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे मोमेंट आर्म का। अब ये जो मोमेंट आर्म और फोर्स का जो प्रोडक्ट है, लाइक दिस, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। मोमेंट आर्म को अगर एल से और फोर्स को एफ से डिनोट करें तो टॉर्क कैन बी रिटन एज एल क्रॉस एफ। सिमिलरली टॉर्क की एक एक्सटेंशन है जिसे हम नाम देते हैं कपल का। अ कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिटली डायरेक्टेड एंड डिस्प्लेस्ड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अ मोमेंट। कंसिडर अ रॉड, एक रॉड है आपके पास जिसकी टोटल लेंथ ए से रिप्रेजेंट की गई। अब अगर इस रॉड पर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करें लाइक दिस और उनके दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये ए खुद एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के दरमियान, तो इस रॉड में रोटेशन प्रोड्यूस होगी। सो अब यहां पर हमने टॉर्क ड्यू टू अ कपल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि कपल फाइंड करने के लिए आप टोटल कपल आर्म को, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस ए, को किसी भी एक सिंगल फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं लाइक एफ, तो कपल कैन बी फाइंड एज ए क्रॉस एफ। अब एक स्पेशल केस है कि अगर ये रॉड बिल्कुल फ्लैट नहीं है, यानी किसी एंगल पर टिल्टेड है लाइक दिस, कि जो रॉड है वो फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई एंगल क्रिएट करती है, तो फिर हम कपल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम इस कपल आर्म को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल क्रिएट करती है थीटा, तो थीटा एंगल क्रिएट करने पर इसके दो कंपोनेंट्स अपीयर होंगे, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन, यानी एक वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट। अब देखें कि हम कपल किन दो चीजों से फाइंड कर सकते हैं। कपल फाइंड करने के लिए जो है ना, वो टॉर्क की शेप ध्यान में रखनी है। ये रही फोर्स और ये रहा सारा एक तरह से मोमेंट आर्म। तो अब मैं जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यानी जिस चीज से, जिस डायग्राम से हमने कपल फाइंड करना, मैं सिर्फ उसको यहाँ पे रहने दूंगा, बाकी रिमूव कर दूंगा। कि अब हम कपल फाइंड करेंगे तो हम किसी एक सिंगल फोर्स को पूरे कपल आर्म से, ये कपल आर्म के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ वी कैन फाइंड द कपल एज ए कॉस थीटा इंटू एफ। स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट हम आगे लेकर चलेंगे और टॉर्क ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले रिकॉल करते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। उस फोर्स को या उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपली आप अपना राइट हैंड अपने सामने लाएं और इमेजिन करें जो आपके फिंगर्स हैं वो लाइंस की तरह है, तो आपके फिंगर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम पोजिशन होनी चाहिए। आपका जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। जब आप इन दोनों चीजों को प्रॉपरली ओरिएंट कर लेंगे, प्रॉपरली तरतीब दे लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पाम है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ पॉइंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अब देखें आप स्क्रीन के सामने बैठे, आपको क्रॉस नजर आ रहा है, क्रॉस का मतलब इन टू द पेज। अब आप क्या करें, अपना हाथ उठाएं और अपनी फिंगर्स को बिल्कुल स्क्रीन की तरफ पोजिशन कर दें लाइक दिस। जैसे आपने इसको पोजिशन कर लिया, आपके फिंगर्स अब स्क्रीन की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। अब अपने थंब की तरफ गौर करें, आपका थंब और इस कंडक्टर के अंदर जो वेक्टर बना हुआ है उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। सो बी उसी तरह इनटू द पेज और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब अपनी पाम की डायरेक्शन देखें और इस ब्लू वेक्टर को देखें, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो दैट्स हाउ इन अ सिंपल वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। अब हम टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या कंसीडर करेंगे?
यही फोर्स एफ इज इक्वल टू आई एल बी है और आगे हम यही फोर्स यूज भी करेंगे। सो बुक में एक डायग्राम बनी है जिसमें कॉयल में एक कॉयल है जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है। एक साइड से करंट एंटर हो रहा है और फिर सर्कुलेट करके एक साइड से करंट लीव कर रहा है। मैं यहां पर टॉप व्यू का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यानी ऐसे जैसे हम इस कॉयल को टॉप से देखेंगे तो इस साइड पर हम देखेंगे करंट इज एंटरिंग और करंट इज इनटू द पेज, और इस साइड से हम ऑब्जर्व करेंगे करंट इज लीविंग और करंट इज आउट ऑफ द पेज। तो आसानी के लिए मैं एक ऑरियंटेशन यूज कर रहा हूँ कि ये नॉर्थ पोल है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एमिट हो रही, साउथ पोल है जिसमें एंटर हो रही, ये कंडक्टर का वो पार्ट है जहां से करंट इनटू द पेज है और ये कंडक्टर का वो पार्ट है जहां से करंट आउट ऑफ द पेज है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि हम इस पर अलग अलग टॉर्क्स फाइंड करते हैं, जैसे सिर्फ लेफ्ट साइड पे देखें। अब क्या करें, अपना राइट हैंड रूल यूज करें, अपनी फिंगर्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर दें लाइक दिस। अब अपना थंब आप इस डॉट की डायरेक्शन में अपनी तरफ पॉइंट आउट कर लें। तो जब आप ये ओरिएंटेशन प्लेस करेंगे तो आपकी पाम स्क्रीन के अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट होगी और आपको यूं लगेगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सिमिलरली जहां से करंट इनटू द पेज है वहां पर आपने लाइंस यानी फिंगर्स को तो नॉर्थ से साउथ ही रखना है, मगर आपने थंब को स्क्रीन की तरफ पॉइंट आउट कर देना है क्योंकि करंट इनटू द स्क्रीन इनटू द पेज है। अब आपकी पाम की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन में ये जो फोर्स है ये मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई है। अब इन दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा देखते हैं तो कंडक्टर की एक साइड पे फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक साइड पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें ऑपोजिट फोर्सेस तो मिल गई। अब ये ऑपोजिट फोर्सेस चूंकि एक कॉइल एक्ट कर रही है, वो कॉइल जिसकी विड्थ ए से रिप्रेजेंट की गई, अब ये जो कॉइल की विड्थ ए है यही दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी है। तो मैं यहां पर इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूं कि ये कॉइल की पूरी विड्थ है जिसमें एक तरफ से करंट इनटू द पेज है और एक तरफ से करंट आउट ऑफ द पेज है। अब ये जो ए डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कपल आर। सो हाउ टू फाइंड द कपल, सिंपली हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स के साथ। फोर्स क्या है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, आई एल बी। स्टूडेंट्स यहां पे एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है और ए विड्थ ऑफ कंडक्टर है। अब एल ये पूरा सरफेस, ये लाइन, ये एल लेंथ है और बी टू ए जो डिस्टेंस है ये विड्थ है। सो बी टू सी लेंथ है, बी टू ए विड्थ है। अगर हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें जैसे यहां पर प्लेस किया है एल इन टू ए, तो वी विल बी एबल टू फाइंड द एरिया। तो कपल इन दिस केस इज आई ए बी। अभी यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो तो फिर यही इक्वेशन एन आई ए बी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे आप नायाब के नाम से भी याद रख सकते हैं। अब उसी सेकेंड केस पे के फर्ज करें कि ये जो कॉयल है ये पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के साथ यानी ये किसी एंगल पर टिल्टेड है। सो द कॉन्सेप्ट इज इफ प्लेन ऑफ अ कॉइल इज नॉट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट इमेजिन द इमेज लाइक दिस कि जो कॉइल है वो किसी एंगल पर टिल्टेड है और फोर्सेस उसी तरह इक्वल और ऑपोजिटली एक्ट कर रही। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेम वही कंपोनेंट्स वाली साइंस अप्लाई करनी पड़ेगी कि हम कपल आर्म को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। अब देखें जो ए कॉस थीटा है ये वो प्लेन है जो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। सो यही वाला प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे और अब हम कपल फाइंड करेंगे कैसे, ए कॉस थीटा से, ए से नहीं, ए कॉस थीटा से वो प्लेन जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और साथ मल्टीप्लाई करेंगे एफ, अगेन एफ इज इक्वल टू आई एल बी और लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया, एरिया भी आ जाएगा। और अगर कॉइल्स की तादाद एक से ज्यादा है तो फिर हम एन को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव अ कंप्लीट इक्वेशन नायाब कॉस थीटा। वन थिंग टू रिमेंबर, अगर एक कॉइल का प्लेन मुसलसल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रहता है, हम यानी उसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करते हैं कि कॉइल जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में पैरेलल टू द प्लेन होगी, तो फिर थीटा जीरो होगा और कॉस जीरो वन कंसीडर होगा,
यानी ऐसी कंडीशन में हम मैक्सिमम टॉर्क ही एक्सपीरियंस करेंगे अगर हम कॉइल को कंस्ट्रक्ट ही ऐसे करते हैं कि वो हमेशा पैरेलल टू द प्लेन, उसका जो प्लेन है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रहे। तो ये था स्टूडेंट्स टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये कॉन्सेप्ट जो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल का हम यूज करेंगे आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में गैल्वेनोमीटर में। आप जब ये लेक्चर सुने तो कोशिश करें टॉर्क से लेकर जो आगे मीटर्स में जितने भी मीटर्स पढ़ाऊंगा उन सबको एक तरतीब से सुने ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट मैप है वो स्ट्रांग हो, वो बिल्ड हो। तो यहां तक था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।